तो दोस्तों जब वीडियो स्टार्ट कर ही रहे तो सबसे पहले ऊपर यहाँ पर अप्लाई प्रूफ देख लो कि मुझे इस लोन एप्लीकेशन के द्वारा मुझे अभी 5000 का मुझे यहाँ पे लोन ऑफर कर रहा है, जो अभी यहाँ पर अप्लाई प्रूफ देख सकते हो। और सबसे मजेदार की बात मैं आपको ये बता देता हूँ कि यह जो मुझे अभी 5000 का जो लोन ऑफर कर रहा है दोस्तों, ओनली फॉर पेन का आधार कार्ड से, यानी कि दोस्तों मैंने पेन का आधार कार्ड से अभी KYC कंप्लीट किया और मुझे यहाँ पे बता दिया गया कि मैं ऐसे 5000 का लोन के लिए एलिजिबल हूँ। तो दोस्तों अगर आपका भी एज मात्र 18 साल है और आपके पास अगर पेन का आधार कार्ड है, ओनली फॉर KYC करके लोन लेना चाहते हो दोस्तों, तो यह लोन एप्लीकेशन आपके लिए बेस्ट होने वाला है। तो दोस्तों मैंने इस लोन एप्लीकेशन का लिंक अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, अब जैसे उस लिंक पे क्लिक करोगे दोस्तों सीधा ही डायरेक्ट प्ले स्टोर को हो जाएगा और प्ले स्टोर से जाकर आप इस लोन एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बाजू वाले बेल आइकन को भी ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जैसे आप फर्स्ट टाइम इस लोन एप्लीकेशन को ओपन करोगे फिर आपके सामने इस टाइप इंटरफेस देखने को आती है दोस्तों। आप देख सकते हो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा एग्री एंड कंटिन्यू का, तो यहाँ सबको एग्री एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना। जैसे यहाँ सब एग्री एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लोगे फिर दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पर आता है आई एग्री टू ऑल, तो यहाँ सबको आई एग्री टू ऑल वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। उसका दोस्तों नीचे होगा कि ऑप्शन देखो मिलेगा एग्री एंड कंटिन्यू का, तो यहाँ सबको एग्री एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आपकी स्टोर एप्लीकेशन यहाँ से लगातार परमिशन दे देना है। जैसे यहाँ सब लगातार परमिशन दे दोगे उसका दोस्तों फिर आपके सामने इस टाइप इंटरफेस देखने को आ जाएगा। तो नीचे आप देख सकते हो नीचे नेक्स्ट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो यहाँ से वो नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लोगे फिर दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पर आता है चूज लैंग्वेज, तो दोस्तों अब आपके सामने लैंग्वेज यहाँ पर सेलेक्ट करना है, काफी सारा लैंग्वेज देखने को आएगा दोस्तों। तो यहाँ पर आप जो भी चाहे वो लैंग्वेज वहाँ सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आप इंग्लिश ही रखना स्टार्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। जैसे वहाँ से स्टार्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लोगे फिर दोस्तों आपके सामने इस टाइप इंटरफेस देखने को आ जाएगा दोस्तों। आप देख सकते हो यहाँ पर आता है मोबाइल नंबर, तो दोस्तों आपको इस बॉक्स में अपना मोबाइल नंबर इंटर कर देना है। उसका दोस्तों यहाँ पर देख सकते एक एरो जो ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आप इस एरो वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। उसका दोस्तों आप जो भी मोबाइल नंबर दोगे उस मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो ओटीपी आ चुका है, तो दोस्तों आपके फोन नंबर पर ओटीपी आ जाएगा। ओटीपी आने का दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर न्यू पासवर्ड एंड कन्फर्म पासवर्ड, दोस्तों आपको यहाँ पर करना क्या पड़ेगा, तो यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर बताया जा रहा है कि 8 लेटर से लेकर 16 लेटर के बीच में आप कोई सा एक पासवर्ड यहाँ पर इंटर कर सकते हो। तो यहाँ पर आप 8 लेटर से लेकर 16 लेटर के बीच में आप कोई सा एक पासवर्ड यहाँ पर ऊपर इंटर कर लीजिए, फिर वही पासवर्ड आपको नीचे इंटर करके आप इस एरो वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। जैसे उस एरो वाले ऑप्शन में क्लिक कर लोगे फिर दोस्तों आपके सामने इस टाइप इंटरफेस देखने को आ जाएगा, यानी कि दोस्तों आप इस लोन एप्लीकेशन होम स्क्रीन पे आप आ जाओगे। और दोस्तों यहाँ आप देख सकते हो यहाँ पर आपको 2 टाइप का लोन मिलता है, एक आपको कैश लोन मिलता है जिसमें आप मिनिमम 5000 का लोन ले सकते हो, मैक्सिमम 1 लाख तक का लोन ले सकते हो। और यहाँ आप देख सकते हो एक लेबर पर भी आपको यहाँ लोन दिया जाता है जहाँ आप मिनिमम 1000 का लोन ले सकते हो, मैक्सिमम 5000 तक का लोन ले सकते हो। और लेबर पर लोन के ठीक सामने आप देख सकते हो यहाँ पर ओनली KYC भी देखने को मिल जाएगा दोस्तों। लेबर पर लोन में आप ओनली फॉर KYC करके लोन ले सकते हो। और बात कर ले दोस्तों अगर कैश लोन का दोस्तों, यहाँ भी आपको KYC करना पड़ता है, उसके साथ साथ कुछ आपको अपना कमेंट भी आपको देना पड़ता है, यानी कि दोस्तों कुछ बेसिक डिटेल्स यहाँ पे आपको देना पड़ेगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप कैश लोन कैसे अप्लाई कर सकते हो, यानी कि दोस्तों बड़ा लोन अमाउंट कैसे यहाँ से ले सकते हो दोस्तों। तो उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, नीचे वो अप्लाई नाउ का जो ऑप्शन देखने को मिल रहा है, तो यहाँ से अप्लाई नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना। जैसे यहाँ से अप्लाई नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लोगे फिर दोस्तों यहाँ पर आपको 2 चेकबॉक्स का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आपको दोनों चेकबॉक्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करके नीचे एग्री एंड कंटिन्यू का जो ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो यहाँ से एग्री एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। जैसे यहाँ से एग्री एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लोगे फिर दोस्तों आप देख सकते हो कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि 5 मिनट के अंदर में आप यहाँ से 1 लाख तक का लोन ले सकते हो। और यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों कि क्विक इंस्टेंट से अप्रूवल आपका लोन यहाँ पे हो जाएगा, नो हीडिंग चार्जेस के साथ आपको यहाँ पर लोन मिलेगा, फुल डिजिटल प्रोसेस के मतलब 100% मतलब आपको पेपरलेस के साथ यहाँ पे लोन मिलता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ओनली फॉर 3 easy steps में आपको यहाँ पर लोन मिलता है। सबसे पहले यहाँ पर अपना KYC कंप्लीट करना है जिसमें पेन या आधार कार्ड से यहाँ पर आप कर सकते हो। उसके यहाँ पर देख सकते हो सेलेक्ट लोन ऑफर, यानी कि दोस्तों आपको लोन ऑफर बता दिया जाएगा कि आप कितना लोन के एलिजिबल हो। और आपका 3rd step आ जाएगा कि आपके बैंक में कुछ ही देर में आपके अमाउंट आ जाएगा दोस्तों। आपको तीनों को करने के लिए नीचे प्रोसीड का जो ऑप्शन देखने को मिल रहा है, तो यहाँ से वो प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना। जैसे आप प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लोगे फिर दोस्तों यहाँ से अब आपको अपना लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेना है, इंग्लिश रखना या हिंदी रखना इस लोन एप्लीकेशन। दोस्तों मैं इंग्लिश वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेता हूँ। जैसे वहाँ से इंग्लिश वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लोगे फिर दोस्तों यहाँ पे पहले आ जाएगा पेन कार्ड का नंबर इंटर करने के लिए। तो दोस्तों यहाँ आप देख सकते हो ऊपर यहाँ पर आप देख सकते हो कि मेरा पेन कार्ड ऑलरेडी यहाँ से वेरीफाई है, तो दोस्तों आप अपने पेन कार्ड वहाँ से वेरीफाई कर लीजिएगा। उसका दोस्तों फिर आ जाएगा आधार मतलब इंटर आधार कार्ड नंबर, तो यहाँ पर आधार कार्ड नंबर इंटर करके नीचे प्रोसीड का जो ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो यहाँ से वो प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। जैसे यहाँ प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लोगे फिर दोस्तों आपका आधार कार्ड के साथ जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उस मोबाइल नंबर पर ओटीपी आता है, ओटीपी इंटर करके आपको कंटिन्यू कर लेना है। तो चलिए दोस्तों मैं अपना आधार कार्ड को वेरीफाई कर लेता हूँ। उसका दोस्तों फिर आपके सामने इस टाइप इंटरफेस देखने को आ गया दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर मेरा KYC आज सक्सेसफुल हो चुका है। उसका दोस्तों फिर आपके सामने नीचे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा गो टू कैश लोन, तो यहाँ सब गो टू कैश लोन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। जैसे वहाँ सब गो टू कैश लोन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लोगे फिर दोस्तों आपके सामने काफी सारा क्वेश्चन देखने को आ जाएगा दोस्तों, तो मैंने सभी के आंसर दे रखा है। जैसे दोस्तों मैं आपको कुछ गाइड कर देता हूँ। जैसे आप देख सकते हो सबसे पहले आ जाएगा मैरिटल स्टेट, तो मैरिटल स्टेट में क्या आप सिंगल हो या मैरिड हो अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लीजिएगा। एडुकेशन यहाँ पे लेवल आपको सेलेक्ट कर लेना है, हाउस टाइप आप जिस घर में रहते हो खुद का घर है या रेंट पर रहते हो
कोड टाइप कर लीजिएगा और यहाँ पर आप देख सकते हो ऑक्यूपेशन में आप सैलरी पर्सन या सेल्फ एम्प्लॉयड हो अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लीजिएगा। इंप्लॉयमेंट टाइप में आपके मतलब ये क्या हो, रेगुलर मतलब इंप्लॉयमेंट हो या क्या हो दोस्तों अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लीजिएगा। आप जो वर्क करते हो कितना साल से करते हो वो अपने हिसाब से सभी कुछ को सिलेक्ट करके नीचे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा मतलब ऑल क्वेश्चन के आप देख सकते आंसर, तो यहाँ से इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना, यानी कि दोस्तों आपको वहाँ से नेक्स्ट वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा तो वहाँ से आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। तो दोस्तों मैंने सभी का यहाँ पे आंसर दे रखा है तो मैं यहाँ से नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेता हूँ। उसका दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे आप सभी के आंसर दे दोगे उसका दोस्तों 5 से 10 मिनट के बाद आप फिर से इस लोन एप्लीकेशन जब ओपन करोगे दोस्तों यहाँ पर आपको फाइनल लोन ऑफर बता देगा कि आप यहाँ से कितना लोन के लिए एलिजिबल हो। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो कि मेरे केस में यहाँ पे 5,000 का यहाँ पे लोन ऑफर किया गया है और यहाँ पर आप देख सकते हो मेरा प्रोफाइल यहाँ से लोन लेने के लिए एलिजिबल दोस्तों। तो अब आपको इस लोन अमाउंट को लेने के लिए नीचे वो सी डिटेल्स का जो ऑप्शन देखने को मिल रहा है तो यहाँ से वो सी डिटेल्स वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप सी डिटेल्स वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लोगे आप दोस्तों यहाँ से आपको अपना सेल्फी अपलोड करना है। सेल्फी अपलोड करने से पहले आपको ये तीन बातों का बिल्कुल यहाँ पर ध्यान रखना है। उसके बाद चेकबॉक्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करके नीचे टेक सेल्फी मतलब माई सेल्फी का जो ऑप्शन देखने को मिलेगा तो यहाँ से वो टेक माई सेल्फी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना। जैसे यहाँ से टेक माई सेल्फी वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे आपके मोबाइल का कैमरा ओपन हो जाएगा। उसका दोस्तों यहाँ से आपको अपना अच्छा से क्लियर से यहाँ पे सेल्फी अपलोड कर लेना है। चलिए दोस्तों मैं यहाँ से अपना एक अच्छा से यहाँ पे सेल्फी अपलोड कर लेता हूँ। जैसे वहाँ से आप सेल्फी अपलोड कर लोगे फिर दोस्तों यहाँ आप देखते हो अगर मैं यहाँ से 5,000 का लोन लेता हूँ वो भी 6 मंथ के लिए मैं यहाँ से लोन लेता हूँ तो मेरा पर मंथ ईएमआई पर देख सकते हो 1039 रुपया यहाँ पे लग जाएगा 1039 और लास्ट जो मेरा ईएमआई बनेगा यहाँ पर देख सकते हो कि 1230 रुपये मेरा बनेगा। दोस्तों अब आप लोन अमाउंट को लेने के लिए आपको दोनों चेकबॉक्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करके नीचे एग्रीएंट का प्रोसीड का जो ऑप्शन देखने को मिल रहा है तो यहाँ से एग्रीएंट प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। जैसे वहाँ से आप एग्रीएंट प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लोगे उसका दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पर आ जाता है इंटर योर बैंक अकाउंट। तो दोस्तों यहाँ पे अपने बैंक का नाम इंटर कर लीजिएगा। उसका दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो बैंक का नंबर इंटर करके उसका नीचे अपने बैंक का एफसी कोड इंटर करके नीचे वो रिसीव मनी का जो ऑप्शन देखने को मिलेगा तो यहाँ सबको रिसीव मनी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। जैसे वहाँ से आप रिसीव मनी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लोगे फिर दोस्तों यहाँ पे आपको थोड़ा देर वेट करना पड़ेगा, यानी कि दोस्तों 2 से 3 मिनट जैसे ही वेट करोगे दोस्तों उसके आप देख सकते हो कंग्रेचुलेशन का ऑप्शन आ जाएगा और यहाँ पर बताया जा रहा है कि योर बैंक अकाउंट यानी कि दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो योर लोन डिसबर्स सक्सेसफुल, यानी दोस्तों मेरे बैंक में से पैसा डिसबर्स हो चुका है यानी कि दोस्तों मेरे बैंक में से पैसा क्रेडिट हो चुका है। तो दोस्तों आप भी अगर सेम इसी प्रकार से इस लोन एप्लीकेशन के अंदर जाकर लोन अप्लाई कर सकते हो, काफी सिंपल है दोस्तों, काफी जल्दी यहाँ पे आपको लोन मिल जाता है। दोस्तों आपने देखा कि मैंने ओनली फॉर केवाईसी करके यहाँ से लोन लिया दोस्तों, तो आप भी अगर सेम इसी प्रकार से इस लोन एप्लीकेशन के अंदर जाकर लोन अप्लाई कर सकते हो। तो इस लोन एप्लीकेशन का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जैसे उस लिंक पर क्लिक करोगे सीधा डायरेक्ट प्ले स्टोर पर हो जाओगे और प्ले स्टोर से जाकर आप इस लोन एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिएगा। तो दोस्तों आप भी अगर सेम इसी प्रकार से लोन एप्लीकेशन के अंदर जाकर लोन अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों अगर मान लेते हैं कि किसी भी कारण आपको इस लोन एप्लीकेशन के अंदर लोन नहीं मिलता है, आपका लोन रिजेक्ट कर दिया जाता है या अगर आपको लोन ऑफर ही नहीं किया जाता तो अब आपको इस कंडीशन में करना क्या पड़ेगा। तो दोस्तों अगर आपका एज मात्र 18 साल है और आपके पास अगर पेन का आधार कार्ड है, आप ओनली फॉर केवाईसी करके लोन लेना चाहते हो दोस्तों, तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके 15 लोन एप्लीकेशन का भी लिंक देखने को मिलेगा। तो आप जाकर उन 15 लोन एप्लीकेशन के अंदर जाकर लोन अप्लाई कर सकते हो। उन 15 लोन एप्लीकेशन के अंदर आपको कोई भी इनकम प्रूफ, कोई भी सैलरी स्लिप अपलोड नहीं करना है, ओनली फॉर पेन का आधार कार्ड से केवाईसी करके आप जाकर उन 15 लोन एप्लीकेशन के अंदर मिनिमम 5,000 का लोन ले सकते हो और मैक्सिमम 1,00,000 तक का लोन ले सकते हो। और तो दोस्तों मेरे काफी सारे सब्सक्राइबर लोग भी उन 15 लोन एप्लीकेशन के अंदर लोन लिए हैं और मेरे काफी सारे सब्सक्राइबर लोगों भी उन 15 लोन एप्लीकेशन के अंदर लोन लेकर खुश है। तो अगर आप भी लोन के लिए परेशान हो गए और आपको कहीं से अगर लोन नहीं दिया जा रहा है दोस्तों, तो आप उन 15 लोन एप्लीकेशन के अंदर जाकर लोन अप्लाई कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो बस गाइस आज की इस वीडियो में इतना गाइस, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अगर आप इस चैनल पर नया हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बाजू वाले बेल आइकन को भी ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, जब तक ले जय हिंद।